हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। एमकेएम लंदन के रहनुमा बाबर गौरी ने पार्टी को खैरबाद कह दिया। कहा, बाज नागुजीर वजूहात की बिना पर तंजीमी जिम्मेदारियों और बुनियादी रुकनियत से मुस्ताफी हो रहा हूं। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स में कमी आ गई। वजीर दाखिला सिंध सुहेल अनवर सयाल का दावा। कहा, वन व्हीलिंग पर आयद पाबंदी पर सख्ती से अमल कराया जाएगा। वालदैन भी बच्चों को वन व्हीलिंग से रोकने के लिए किरदार अदा करें। पाकिस्तान बिला इम्तियाज इंसानी हुकूक और मजहबी आजादी पर यकीन रखता है। कश्मीरी फलस्तीनी मुसलमान बुनियादी हुकूक से महरूम है, उनके हुकूक के लिए कोशिश आलमी जिम्मेदारी है। वजीर आजम का इंसानी हुकूक के आलमी दिन पर पैगाम। मॉडल टाउन जुडिशल इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद तहरुल कादरी से सियासी रहनुमाओं की मुलाकातों का सिलसिला जारी। चौधरी बिरादरान आज तहरुल कादरी से मुशावरत करेंगे। हुकूमत सिंध ने तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान कर दिया। 22 दिसंबर से 31 दिसंबर तक तालीमी इदारे बंद रहेंगे। अमरीका मकबूजा बैतुलमकदस को इसराइली दारुल हुकूमत तस्लीम करने का फैसला वापस ले। काहिरा में अरब लीग के वज़राए खारजा का मुतालबा। अमरीकी फैसले की कानूनी हैसियत नहीं, इससे खित्ते में तशद्दुद बढ़ेगा। मुश्तरका ऐलामिया जारी। डोनाल्ड ट्रंप के मुतनाज़े ऐलान के बाद फलस्तीनियों का एहतजाज जारी। इसराइली फौज की बमबारी और फायरिंग से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 4 हो गई, 300 से ज़ायद जख्मी हैं। पेरिस में भी ट्रंप के खिलाफ मुजाहिरा। करप्शन के इल्जामात पर इसराइली वजीर आजम के खिलाफ मुजाहिरा। वजीर आजम नेतन्याहू से मुस्ताफी होने का मुतालबा। इंग्लैंड शुमाली स्कॉटलैंड शुमाली आयरलैंड नॉर्थ वेल्स में रात भर बर्फबारी। मवासलात का निजाम धरम बरम। परवाजें मनसूख। मजीद 3 रोज तक शदीद बर्फबारी की पेशगोई।